असल जो फायदे की बात है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं इन पर तजर्बा कर ले ट्राई कर ले उनके बाद इन श्ला मुझे बता नहमद हूँ कर करीम अम्माबाद बिल्ल मिनईतर बसमिल्लम अल्लामक वरम वबरकू उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह जुल्लिशानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। बाईसव पारा में एक आयाती करीमा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं अगर आप सिर्फ एक मरतबा उनको पढ़ते हैं तो उनके फवाइद ये हैं आयाति करीमा बहुत मुख्तर है, यानी आधा मिनट के अंदर अंदर आप पढ़ लोगे इजाजत उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा और वीडियो को लाइक करेगा उनको मेरी तरफ से इजाजत है उनके अलावा किसी भी किस्म किसी को इजाजत नहीं है अब बाईस सौ पारह में जो आयाति करीमा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं लेकिन उससे पहले इनके फवायद क्या हैं इनके फवायद ये हैं कि कोई भी मुश्किल आप लोगों के ऊपर आ जाए दुनिया का बड़ा सा बड़ा मुश्किल हो उस वक्त एक मरतबा पड़े एक मरतबा इस ही तरह पड़े कि ए अल्लाह ये आयाती करीमा और इनके अंदर जिनका जिक्र है उनका वास्ता देता हूं इस मुश्किल से आप ही मुझे निकाल सकते हैं और महबूब के सदके से ही आप मुझे निकाल सकते हैं कोई भी मुश्किल हो मुकदिमा है किसी के साथ लड़ाई है झगड़ा है कहीं पर आप फंसे हुए हैं ट्रैफिक जाम है वहां से निकलना चाहते हैं मुकदमा है थाने में बंद है कोई भी मसला हो ये इतने अजीम आयत हैं और इतना बाबरकत को पूरा कुरान मजीद बाबरकत है लेकिन एक مرتبہ आप तजुर्बा कर ले ट्राई कर ले तजुर्बे के बुनियाद पर कह रहा हूं एक مرتبہ आप तजुर्बा कर ले कि किस तरह अल्लाह जिल्ले आपको उस ही मुश्किल से उस ही वक्त निकालते हैं अल्लाह जिलिशानु कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा दरमिया रास्ता अल्लाह जिलिशानु आपके लिए हामवार करके निकाल देगा ये एक इसकी सिफत है अब दूसरी सिफत और दूसरा कमाल कोई भी हाजत है दुनिया का कोई भी बड़ा हो छोटा हो चाहे चपरासी से लेकर वजीर आजम तक सदर तक किसी से कोई बात निकलवानी है अपना हाजत और अपना काम निकलवाना है तो मेरे भाइयों एक ही मरतबा आप पड़े और उस आयात में जिनका नाम आया हुआ है वो है दोनों जिहानों का सरदार महबूब रसूल वसलम का नाम और आप ये वास्ता अल्लाह को दे कि अल्लाह ये आपका लाडला है इनकी वजह से आपने दुनिया बनाई है और ये आखिर नबी है खातमीन है इनके बाद कयामत कोई नबी नहीं है इनका वास्ता में देता हूं कि ये फलान आदमी ये मुझे ताबेदार कर दे दे अल्लाह से आप डिमांड कर ले और अपनी मर्जी का डिमांड कर ले क्योंकि आयात का अगर आप तर्जमा दे के तर्जमा भी आप दे के ना तो आपको खुद में समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं तो अपने अल्फाज से वो भी बता दूंगा लेकिन जितने मेरी कोशिश होगी और इनके अंदर इनके अंदर जो फलसफा है वो मैं बयान नहीं कर सकता इनके अंदर बहुत बड़ा फलसफा है अच्छा तो कोई भी चाहे चपरासी हो चाहे वजीर आजम हो अल्लाह ताबे करके दे देगा अल्लाह कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूं कोई भी नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह और इनके कलाम अल्लाह के कलाम में इतना ताकत है दुनिया का हर मसाला उनका हल इस ही में मौजूद है अब इनके हो गई ये दो बात अब तीसरा सुन ले दुनिया जिहान का कहीं पर बोगज है हसद है कीना है घर में लड़ाई है जगड़ है कोई भी मसला है कोई भी एक मरतबा पढ़े और तस्वर कर ले अब मेरी बहुत बहने इस तरह हैं कि उनके बच्चे उनके नाफरमान है अक्सर यू के यूरोप से ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कि हमारा बच्चे हमारे नाफरमान है हमारे बच्चे शराब पीते हैं गलत कार्यों में मुबतला हैं, तो उनके लिए एक मरतव पड़े और उनके दाया कान पर पोंख मारे जब वो सो रहे सो रहे हैं उस वक्त जब वो सो रहे होते हैं उस वक्त आप एक मरतव पड़े और उनके कान पर पोंख मार ले और साथ में आखिर उस जमान पर दरुद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक मरतब पढ़े एक हज़ार मरतब पढ़े जितना ज्यादा आप दरूद शरीफ पढ़ोगे उतना ही आखिरत में रसूल आलेहु आलेहु आले वसल्लम के करीब होंगे उनका कुर्ब हासिल करने का बहुत आसान तरीका है पूरी जिंदगी दरूद शरीफ से बर दो दरुल शरीफ दर्द का इलाज है दरुद शरीफ जहन का इलाज है दरुद शरीफ गुस्से का इलाज है दरुद शरीफ दुनिया के हर जहान हर मसले का इलाज है वो आयत करीमा क्या है आप सुन लें माँ का नाम "وكان الله بكل شيء عليما." ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "وكان الله بكل شيء عليما.

दरवाजा इनके ऊपर बंद हुआ है अल्लाह जलीस नहु ने मुहर लगा दिया है नबी करीम ला खुद फरमाते हैं और अगर कोई ये कहते हैं कि इनके बाद कोई नबी है किसी भी किस्म का वो दज्जाल है वो काफिर है ईसा अरे सला का जहूर होगा लेकिन नबी होंगे लेकिन उनके बावजूद इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और ईसा सलाम के शरीयत मंसूख हो चुका है वो नबी करीब अलैहि वसल्लम के दीन पर अपने जिंदगी गुजारेगा लेकिन नए शरीयत के साथ नहीं आएगा ईसा आलम पहले से नबी है और ताकयामत रहेंगे लेकिन अगर कोई ये सवाल उठाते हैं कि ईसा सलाम आ सकता है तो दूसरा नबी भी आ सकता है ये पहले से नबी है पहले से पैदा है नया नबी नहीं आएगा तीस दज्जाल आएँगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं दूसरी तरफ मौजूद जा रहा है वहाँ मैं नहीं जाना चाहता लेकिन असल जो फायदे की बात है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं इन पर तजर्बा कर ले ट्राई कर ले उनके बाद इन मुझे बता दे असल वरह वर्कूँ